दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट थर्ड में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 846 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे इसको आपको। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देख क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष में 800 अर्थात ये 800 रुपये मिश्रधन है 3 वर्षों तक में, तो ये ब्याज सहित आपको 2 वर्ष 3 वर्ष के जो भी ब्याज मिले ये 800 रुपये है, सॉरी 3 वर्ष में ब्याज सहित 800 रुपये है और 4 वर्ष में ब्याज सहित 840 रुपये। दोस्तों 800 से 840 रुपये हुआ कैसे, 3 से 4 वर्ष 1 साल की वृद्धि हुई, 1 साल के लिए समय बीता और ये 800 रुपये आपका 840 रुपये बन गया, अर्थात जो 40 रुपये आपको यहाँ से बढ़े दिख रहे हैं वो आपके ब्याज, मूलधन आपका फिक्स है, ब्याज में बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष, ब्याज बढ़ता जा रहा है और ये 800 से 3 साल के बाद चौथे साल 840 हो गया, तो 40 रुपये ब्याज बढ़ा है। दोस्तों ब्याज जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, जो पुराना हमारा प्रिंसिपल था अभी तक 3 वर्ष तक ये आपका प्रिंसिपल माना जाएगा, तो 3 वर्ष से यहाँ पर ब्याज 40 रुपये मिले, अर्थात आपको देखना है कि 40 रुपये ब्याज प्राप्त हुए और जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 800 में प्राप्त हुआ है, प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए 100, आपको बताया है अंश और हर के कॉन्सेप्ट में भी हमने वीडियो में बताया कि ये टोटल मान आपका 800 है जिसमें ये 40 रुपये की वृद्धि हुई है और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई गई 100, इसको कैंसिल कर लें, 0 0 कैंसिल, 4 2 8 20 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 5% है। देखिए सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन, बस आप सवाल देखें और आंसर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के अंत में 200, 1 वर्ष के अंत में 200, दूसरे वर्ष के अंत में 220, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों यहां से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी कितने में हुई है, 200 रुपये में, आपका 220 हो गया, इसका मतलब किस 200 में 20 की वृद्धि हुई है, तो 20 की वृद्धि 200 में तो 100 पे कितना, ये निकाल लिया हमने 10%, आर की वैल्यू 10%। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप आंसर तुरंत देखिए, 2 वर्ष के अंत में 2420 रुपये और 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये, अर्थात यहाँ से वृद्धि हो गई 242 रुपये की, तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 242 रुपये की वृद्धि हुई है। दोस्तों किस पे वृद्धि हुई है, 2420 में, तो 100 पे 10 से जाएगा 0 कटेगा और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है सवाल, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात करें, तो दर निकालना इसमें भी। देखिए पिछले क्वेश्चन में दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज थी और दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार वहां पे दिया गया था, अब ये एक आपका दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का और ये दे रहा है साधारण ब्याज 2 साल का, आपको बताना है ब्याज की दर। दोस्तों
आप देखें तो जो SI होता है वो पहले साल का और दूसरे साल का, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो दो साल का साधारण ब्याज यदि 320 रुपये है तो एक साल का साधारण ब्याज 160 रुपये होगा, अर्थात प्रत्येक वर्ष 160 रुपये साधारण ब्याज लगा था। इसी क्वेश्चन को यदि हम CI पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 328 रुपये आपके दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज हैं। दोस्तों हमें पता है पहले साल का SI और पहले साल का CI दोनों सेम होता है। आप एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, दोनों की वैल्यू समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले साल का जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज भी 160 रुपये होगा, दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 168 रुपये दूसरे वर्ष की ब्याज है। पहले साल की ब्याज 160 रुपये और दूसरे साल की ब्याज 168, और टोटल ये ब्याज हो गई दोनों साल की 328 रुपये। अब आप देखें कि 160 रुपये से बढ़ के 168 हुआ, अर्थात अभी पिछले क्वेश्चन की तरह 8 रुपये की वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई किसमें, 160 में, तो 100 रुपये की तरह 100 रुपये निकाल लें, 8 × 16 जीरो, 2 × 10 अर्थात 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। क्या करना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात कॉमन होती है कि पहले साल का दोनों का ब्याज समान होता है, अतः 160 160 होगा। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होती है 160 160, 320 रुपये दो वर्षों की ब्याज थी, अर्थात एक साल की ब्याज 160 दूसरे साल की 160। सॉरी 160 रुपये पहले साल की ब्याज, 160 रुपये पहले साल की ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, प्रथम वर्ष की ब्याज सेम होती है। अगले वर्ष इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, अतः ये 168 रुपये हो गए, 8 रुपये की वृद्धि हो गई। इस तरह से टोटल आपका जो यहाँ पर ब्याज दिख रहा था वो 328 रुपये है। तो 8 की वृद्धि हो गई है पहले साल के ब्याज में 160 रुपये में, और प्रतिशत बदलना है तो 100% से हमने निकाल लिया, आंसर आपका आ गया 5%। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो वर्ष का CI 410 रुपये और SI 400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। दोस्तों 400 रुपये SI है, इसका मतलब यही है कि 200 रुपये पहले साल का, 200 रुपये दूसरे साल का ब्याज। इसी तरह से पहले साल का CI भी 200 रुपये होगा, और 200 रुपये CI होगा, फिर बचा इसमें 210 रुपये, वो अगले साल का ब्याज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 रुपये यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया है, 10 रुपये ब्याज बढ़ गई है, और वो ब्याज बढ़ी है कितने पे, 200 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 5% आंसर। अगला क्वेश्चन, दो वर्ष का CI 105, SI 100, मतलब 50 रुपये 50 रुपये, दो वर्ष की ब्याज 100 रुपये, तो प्रत्येक वर्ष की 50, और CI पहले वर्ष का 50, फिर दूसरे वर्ष का बच गया यहाँ पर 100, 105 में 50 पहले वर्ष का, तो 55 रुपये दूसरे वर्ष का, अर्थात यहाँ पे 5 की वृद्धि, और वृद्धि किसमें, 50 में, मल्टीप्लाई बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। किसी भी क्वेश्चन में आपको 10, 12, 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है।